बाबा तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी। यानी धैर्य धर्म दोस्त और पत्नी, ये चारों कितने सच्चे हैं इसकी परीक्षा मुश्किल की घड़ी में ही हो पाती है। समय अच्छा हो तो हर हाथ मिलाने वाला दोस्त है और हर आदमी धैर्यवान और धर्मात्मा। बाबा तुलसीदास ने धीरज धर्म मित्र और नारी का सच बता दिया, मुंशी प्रेमचंद आदर्शों का सच बताते हैं एक कहानी में जिसका शीर्षक है नशा। ऊपर ऊपर से हम सब आदर्शवान हैं, अच्छे लोग हैं, हमें खुद भी यही लगता है कि बुराई तो दूसरों में है, हम तो दूध के धुले और गंगा में नहाए हुए हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ मजबूरी में अच्छे हैं, तभी तक अच्छे हैं जब तक हमें कुछ गलत करने का मौका नहीं मिलता। हमारे आदर्श सोने के बने हैं या पीतल के, ये तो तभी पता चलेगा जब उन्हें कसौटी पर परखा जाएगा। नशा आजादी के पहले वाले भारत में आधारित है, जमींदारों वाले युग में। ये उन दिनों की कहानी है जब महात्मा गांधी की गमक सुनाई देने लगी थी और ये संकेत मिलने लगे थे कि बहुत जल्द भारत आजाद हो जाएगा और जमींदारी की प्रथा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता, वो जमींदारों का पक्ष लेता। पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। वो कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा से होते रहे हैं और होते रहेंगे। लचर दलील थी। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी गर्मी में अक्सर तेज हो जाता था और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते हुए नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वो अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वो सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा ठंडा या गर्म हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई, तो वो आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझमें भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वो मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वो प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब के दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और न घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूं वह मुझे जो कुछ देते हैं वो उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर आने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी, वो अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वो लोग तो गरीबों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने गरीबों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है, गरीब भी यही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और गरीब में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारी का कहीं पता ना चले। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हां, मैं तो यही समझता हूं। तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब ना दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया, और बहुत अच्छा किया। अगर वो अपनी बात पर अड़ा रहता तो मैं भी जिद पकड़ लेता।
सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर ना किया था। इंटर क्लास यानी चालू डब्बा। आपके सेकंड क्लास में सफर का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो। टिप में एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दे दी। फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सबके सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूं तो इतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। ये भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं ये सब, एक हमारे नौकर हैं, कोई काम करने का ढंग ही नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दे दिया करो तो शायद इनसे ज्यादा तमीजदार हो जाए। तो क्या तुम समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं, तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला, मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक इतना समझता है, और बीच वाली बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार, बेगार यानी मजदूर। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया, दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था राम हरख। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हों, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि आप ही की बदौलत में इलाहाबाद पढ़ा हुआ हूं, नहीं कब का लखनऊ चलाया होता, अब कि मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहां से भी उसका जवाब इनकारी ही गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े। रियासत अली ने अर्ध शंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादा लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूं कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ के लाए हैं। राम हरख बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भांप ही नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराज चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते, एक गाढ़े की मिर्जई और चमरौधे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर ना जाने क्या बात थी कि ये सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मैं शहसवार नहीं हूं, शहसवार यानी घुड़सवार। हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूं। यहां देखा तो 2 कला रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ पर बोटियां कांप रही थी। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज ना किया, वरना शायद मैं हाथ पांव तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो ये कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था? केला था।
इमामबाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब किताब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले। कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो? ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटमर्दी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे, नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आ गया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूं, मगर यहां मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छांटते शर्मा रही थी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहने मेज पर जा डटते थे, यहां पांव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए, कहार ने उसके पांव धोए, मैंने भी पांव बढ़ा दिए, कहार ने मेरे पांव भी धोए। मेरा वो विचार न जाने कहां चला गया था। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहां सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर ऑमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं, केवल जुबान हिला देना काफी है। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा झलने को खड़े। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर ना होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज ना हो जाएं, बिछावन ठीक समय पर लग जाए, कुंवर साहब के सोने का समय हो गया। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं? उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था, शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहां 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थीं, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं, कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे महरा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुध ही न रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था। दिया सलाई भी थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था, फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारद। दैव योग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा, ऐसी फटकार लगाई कि बेचारे उल्लू हो गए। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जलवा दो? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहां गुजर कैसे होता है, मेरे यहां घंटे भर निर्वाह ना हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कुछ मंचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ कहते या पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना, लोग कहते हैं यहां स्वराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है,
ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और करते क्या है? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी, हम तो तैयार बैठे हुए हैं। जैसे ही स्वराज हुआ अपने इलाके गरीबों के नाम हिब्बा कर देंगे, हिब्बा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर दे देंगे, पट्टे पर। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था, ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार, हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, देखो अभी तो मेरा कोई अख्तियार है नहीं भाई, लेकिन जैसे ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना, उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए, ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मोहर हरेक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वो सामर्थ्य कहां थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं थी, इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। ये आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक ना सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ईश्वरी ने वहां अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से, लेटे लेटे जा रहे थे सिकड़े सिकड़े, पहलू बदलने की भी जगह न थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, वे आपस में अंग्रेजी राज की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं है, छोटे बड़े सब बराबर, राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बना था कलकत्ते जा रहा था, कहीं गठरी रखने की जगह ना मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था, इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था, उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर जब्त किए बैठा रहा, एकाएक मुझे क्रोध आ गया, मैंने उसे पकड़कर पीछे ठेल दिया और दो तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर दो तीन तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया, चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? अव्वल दर्जा यानी फर्स्ट क्लास। कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारता तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने को खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? ये भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन में घुसन तो पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में मुझसे कहा, व्हाट एन इडियट यू आर। और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। एक चाइनीज फोकलोर है कि ईश्वर इंसान को धरती पर भेजने से पहले एक बड़ा क्रूर मजाक करता है, हर किसी के कान में बोल देता है, तुमसे अच्छा कोई नहीं है। हम इस मजाक को सच मान लेते हैं और जिंदगी भर दूसरों को कम और खुद को ज्यादा समझते रहते हैं। कभी सड़क पर कार चलाते हुए अपने मनोभाव पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो हमसे तेज जा रहा है उसे मन ही मन हम गैर जिम्मेदार लापरवाह मान लेते हैं, इसे ना तो अपनी जान की परवाह है ना दूसरों की, देखो कितना तेज जा रहा है। जो हमसे धीरे जा रहा है उसे हम नौसिखिया समझ के हंस देते हैं, बेचारे को ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती, नया नया सीखा होगा। यानी सही स्पीड पर सिर्फ एक गाड़ी चल रही है जो हम चला रहे हैं। कई बार हमें यह गलतफहमी होती है कि हम बहुत नेक और सुलझे हुए हैं। ये बोहेमियन सोच हमारा बड़ा नुकसान करती है। हम अपने आप से इतना भरे रहते हैं कि दूसरों को हमारे अंदर जगह ही नहीं मिलती, ना दूसरे लोगों को, ना दूसरे विचारों को।
तो क्या करना चाहिए? वही जो कबीर करते थे, अपने अंदर कमियां ढूंढते थे और दूसरों में अच्छाइयां। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई।